लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार रेडियो पर मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीत के लिए जनता का करेंगे शुक्रिया। अब तक 53 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं पीएम। राहुल गांधी की जद के बाद अध्यक्ष पद पर सस्पेंस बरकरार। आज दिल्ली आ सकते हैं अशोक गहलोत। राहुल गांधी से हो सकती है मुलाकात। CWC की बैठक में नेताओं ने खारिज किया था इस्तीफे का प्रस्ताव। सपा संगठन में होगा बड़ा बदलाव। विदेश से लौटकर अखिलेश यादव लेंगे अहम फैसले। मुलायम सिंह यादव के फॉर्मूले को दोहरा सकते हैं अखिलेश। दिल्ली के दंगल के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। आप सरकार से मुकाबले के लिए तैयार किया खाका। घर और पानी से लेकर गांव तक मेट्रो पहुंचाने को बनाया मुख्य एजेंडा। मध्य प्रदेश में जल्द बदले जा सकते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। CM कमलनाथ ने दिए संकेत। बाला बच्चन को सौंपी जा सकती है कमान। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को कामयाबी। एक आतंकी को काल के काल में पहुंचाया। सर्च ऑपरेशन जारी। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना। बम बम भोले के लगे जयकारे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। करीब 125,000 करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। उत्तर रेलवे ने 300 से ज्यादा ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के समय में किया बदलाव। नई दिल्ली से लुधियाना और नई दिल्ली से मोगा जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को इंटरसिटी एक्सप्रेस में किया तब्दील। विश्व कप में आज बर्मिंघम में इंग्लैंड से होगा टीम इंडिया का मुकाबला। जीत का छक्का लगाने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। टीम में भुवनेश्वर कुमार की वापसी करा सकते हैं कोहली। पहली बार भगवा रंग की ड्रेस में नजर आएगी टीम। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म कबीर सिंह का धमाल जारी। 8 दिन की कमाई से बनी साल की सबसे बड़ी फिल्म। अब तक 143,63,00,000 रुपए की हो चुकी है कमाई। अमेरिका और ईरान में बढ़ा विवाद। तनाव के बीच US ने कतर में तैनात किए F-22 लड़ाकू विमान। कहा अपने हितों की रक्षा के लिए उठाया कदम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका। अमेरिकी अदालत ने मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का फंड रोका। कोर्ट ने दीवार के निर्माण कार्य के प्रयासों को बताया गैर कानूनी। अफगानिस्तान में शांति के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता शुरू। दोहा में हो रही है दोनों के बीच शांति वार्ता। विवाद सुलझाने का रास्ता निकालने की उम्मीद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अगले महीने जा सकते हैं अमेरिका। कंगाली के दौर में अमेरिका को रिझाने की कोशिश करेगा पाक। PM पद संभालने के बाद पहली बार अमेरिका जाएंगे इमरान। शनि के चंद्रमा पर मिशन भेजेगा नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने शनि के सबसे बड़े चंद्र टाइटन पर ड्रोन की स्टाइल वाले क्वाडकॉप्टर को भेजने का लिया फैसला। नासा तलाशेगा जीवन की संभावना। आम बजट से व्यापारियों को राहत की उम्मीद। इनकम टैक्स में बड़ी छूट देकर लोगों को लुभा सकती है सरकार। 5 जुलाई को पेश होगा बजट। मोदी सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर बनाए रखेगी दबाव। फेसबुक और ट्विटर को भारत में लेना पड़ सकता है लाइसेंस। अगले महीने आ सकता है कानून। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए SOGM का सुझाव। नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन, कपड़ा और रियल एस्टेट क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत। स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए हो सकता है खतरनाक। फोन के ज्यादा इस्तेमाल से सिर में असामान्य विकास। एक सर्वे के मुताबिक सींग जैसा आकार ले रही हैं हड्डियां। भारतीय बैंकों में धोखाधड़ी के मामले तेजी से आ रहे हैं सामने। RBI के मुताबिक 2018-19 में बैंकों ने 90.6% धोखाधड़ी के मामलों की शिकायत की।